हाय। हिंदू किंगडम्स के नाम सुनते ही सबके मन में मराठा, राजपूत, विजयनगर, चोला, माजापाहित एटसेट्रा का नाम आता है। लेकिन आज हम एक ऐसी ताकतवर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे जो लगभग 600 सालों तक भारत के एक हिस्से पर राज किया था। सिर्फ राज ही नहीं किया, वह साम्राज्य 600 सालों तक अपने संप्रभुता को कायम रखा, पर हमारे महान सिलेबसकारों ने इस चैप्टर को जमीन तले दफना दिया। और अगर बात है नॉर्थ ईस्ट के हिस्ट्री की, तब तो रहन दो। तो आज हम बात करेंगे अहोम किंगडम के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि भले ही अहोम डायनेस्टी हिंदुइज्म से प्रभावित थे, पर इन लोगों का कल्चर बाकी हिंदू किंगडम से बहुत अलग और यूनिक था। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में अहोम्स कौन थे। अहोम्स दरअसल ग्रेटर थाई ग्रुप से बिलोंग करते थे। थाई और लाओ लोग भी इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मतलब ये लोग भाई है अहोम्स के। अहोम लैंग्वेज एक ताई कड़ाई लैंग्वेज है। अहोम रिलीजन एक तरह का एंसेस्टरिज्म है, सिमिलर टू चाइनीज फोक रिलीजन। अहोम राज्य की स्थापना किया था सुकाफा ने, जो मोंगमाओ के एक राजकुमार थे। सुकाफा ने एक नए राज्य के खोज में अपने साथ 9000 सेना लेकर दिसंबर साल 1228 में अपने राज्य मोंगमाओ छोड़कर असम के नामरूप पर पहुंचा। सुकाफा के साथ बाकी फॉरेन रूलर्स का डिफरेंस ये था कि वो बाकियों की तरह इन्वेडर नहीं थे। वो चाहते तो पूरे आसाम को लूट के वापस मोंगमाओ लौट जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश किया। स्थानीय बोराही और मोरान जनजाति के लोग सुकाफा के लोगों को हचाम नाम से संबोधित करता था। कहा जाता है कि ये हचाम शब्द ही डेवलप्ड होके अहोम और अहोम का रूप लिया है। साल 1253 में सुकाफा ने शिव सागर के पास सोराइदेव में अपनी राजधानी की स्थापना की। भले ही आगे जाके कई बार अहोम राज्य की राजधानी चेंज हुआ था, लेकिन सोराइदेव ही असम की पहली राजधानी थी। सुकाफा लोकल ट्राइब्स को वाइप्ड आउट करने के बजाय उन लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते थे, जिसके चलते अहोम लोगों और लोकल ट्राइब्स के बीच वैवाहिक संबंध भी बना। अहोम्स ने अपने साथ वेट राइस कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को लेके आया था, जो सुकाफा ने लोकल लोगों के साथ शेयर भी किया। ऊपर से उस समय अहोम किंगडम का साइज भी बहुत छोटा था। इस सब की वजह से कुछ लोकल ट्राइब्स धीरे धीरे अहोम कल्चर में घुल मिल रहे थे, जिसे अहोमाइजेशन कहा जाता है। इसके वजह से कुछ लोकल ट्राइब्स कम्प्लीटली अहोम जाति में समा गए थे, पर ज्यादा दिनों तक ये चला नहीं। 16th सेंचुरी में राजा सुहुंगमुंग द्वारा अहोम किंगडम की रैपिड एक्सपेंशन के वजह से अब अहोम लोग ही अहोम राज्य के अंदर माइनॉरिटी बन चुके थे। नतीजा राजा सुहुंगमुंग ने अपने राज्य में मल्टी एथनिक पॉलिसी अपनाया, जिसके चलते अहोमाइजेशन प्रोसेस एकदम से थम गया। अपना कल्चर थोपने के बजाय अहोम राजाओं ने नेटिव कल्चर को ही अपना लिया, जिसका नतीजा 17th सेंचुरी आते आते हिंदू धर्म और एसमिस लैंग्वेज को अहोम कोर्ट में एंट्री मिल गया। अहोम राज्य पर हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस राजा सुक्रांगफा के समय अपने पीक पर था। 15th सेंचुरी के अंत तक अहोम एक छोटा सा राज्य था। राजा सुहुंगमुंग ने अपने से बड़े पड़ोसी सुटिया किंगडम को युद्ध में हराकर अहोम किंगडम का ह्यूज एक्सपेंशन किया। उन्होंने दिमासा राज्य के भी कुछ हिस्से पर कब्जा किया, जिससे अहोम स्मॉल स्टेट से एक रीजनल पावर में तब्दील हुआ। उनके द्वारा ही अहोम किंगडम में पहली बार मल्टी एथनिक पॉलिसी अपनाया गया था। सुहुंगमुंग ही पहले राजा थे जिन्होंने पहली बार एक हिंदू टाइटल स्वर्गनारायणा को अपनाया था। नॉर्मली सभी अहोम राजा चाओफा टाइटल का इस्तेमाल करते थे, जिसका एसमीस ट्रांसलेशन है स्वर्गोदेव। सुहुंगमुंग ने दिहिंग नदी के पास बाकाता में अपना कैपिटल सिटी एस्टेब्लिश किया था, इसलिए उन्हें दिहिंगिया राजा कहा जाता है। राजा सुक्रांगफा के समय अहोम किंगडम अपनी पीक पर था। उन्होंने पूरे कासारी और जयंतिया राज्य को अपने साथ मिला लिया था। उनका एम्बिशन तो देखो, मुगल साम्राज्य पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने लगभग 400,000 सैन्य भी इकट्ठा कर चुके थे। उन्होंने बाहर के कुछ हिंदू राजाओं से भी इस इन्वेशन के बारे में बात की, पर अंत में ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुकाफा शासन कार्य को आसान बनाने के लिए सलाहकार के तौर पर बुढ़ागोहाई और बोरगोहाई नाम से दो मंत्री पद बनाया। बाद में राजा सुहुंगमुंग ने बोरपात्रो गोहाई नाम से एक तीसरा मंत्री पद जोड़ा। अहोम मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में टोटल 5 मंत्री थे, जिन्हें पात्रो मंत्री कहा जाता था। इनमें से एक मंत्री को प्रधानमंत्री यानी बोरपात्रो बनाया जाता था। मतलब आप लोग देख ही सकते हो, अहोम डायनेस्टी एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं था। राजा सुसेंगफा ने और दो पद जोड़े, बोरबोरुआ और बोरफुकन नाम से। पिछले तीनों गोहाई के पास तो एक तरह का फेडरेशन जैसा पावर था, पर ये दो पोजीशन डायरेक्ट राजा के अधीन थे। इन दोनों को जुडिशियल और मिलिट्री लीडिंग पावर दिया गया था।
सुकाफा ने साउथ ईस्ट एशिया से पाइक सिस्टम को असम में लेके आया था। बाद में राजा सुसेंगफा के एक सलाहकार साथ ही फर्स्ट अपॉइंटेड बोरबोरुआ मोमाई तमुली बोरबोरुआ ने इसे एक नए तरीके से इम्प्लीमेंट किया। आपकी जानकारी के लिए बता दे, इनके दो बेटे थे, एक था शेर और एक था सांप, मतलब एक थे लसित बोरफुकन जिन्होंने गुवाहाटी को मुगलों से डिफेंड किया था, और एक थे लालुकसोला बोरफुकन जिसने स्वर्गदेव बनने के लालच में कुछ पैसों के बदले गुवाहाटी के कंट्रोल मुगलों को दे दिया था। बैक टू द पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग सभी 16 से 50 वर्षीय लोग पाइक कैटेगरी के अंदर आते थे। चार पाइक्स मिलकर एक गोट बनते थे। इन गोटों में से एक एक बंदे को रोटेशनली पब्लिक सर्विस के लिए भेज दिया जाता था, लाइक सड़के बनाना, डैम बनाना एटसेट्रा। पहले ही बताया कि इन गोटों में से एक एक बंदे को रोटेशनली पब्लिक सर्विस के लिए भेज दिया जाता था। अब वॉर टाइम में इन गोटों में से एक एक को रोटेशनली एक प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू आर्मी में सर्विस देना पड़ता था, या फिर उन्हें आर्म्ड इक्विपमेंट बनाना पड़ता था। अहोम आर्मी में पाइक अफसरों का पोजीशंस कुछ इस तरह का होता था। पाइक सिस्टम के चलते ही अहोम जैसे छोटे देश जाइगेंटिक मुगल एम्पायर को टक्कर दे पाए, लेकिन आगे जाकर ये पाइक सिस्टम ही अहोम साम्राज्य के गले का फंदा बना। पहले मोआमोरिया रेबेलियन, उसके बाद 19 सेंचुरी में अहोम के ऊपर हो रहे लगातार बर्मीज अटैक के वजह से ये साम्राज्य पूरा बिखर चुका था। साल 1826 में साइन की गई ट्रीटी ऑफ यांदाबो के तहत कॉनबांग डायनेस्टी असम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों सौंप दिया, और इसी के साथ ही अहोम राज्य का अंत हो गया। ये लोग चाहते तो अपना कल्चर रिलीजन असम के ऊपर थोप सकते थे, पर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उल्टा विदेशी अहोम ही इंडियन कल्चर के साथ खुद को मिला लिया और खुद को इंडियन बना लिया। अहोम डायनेस्टी में क्रॉनिकल्स यानी बुरुंजी लिखने का प्रचलन था। दो तरह के बुरुंजी होते थे, ऑफिशियल बुरुंजी जिसमें युद्ध, संधि, टैक्स रिपोर्ट एटसेट्रा के बारे में लिखा जाता था, और फैमिली बुरुंजी, सेम चीज है बस ये ऑफिशियल नहीं था। अहोम्स ने पूरे असम को एक करके एक बोर अहोम का कंसेप्ट दिया। तो अगर अहोम जैसा कोई डायनेस्टी असम को इतने सालों तक रूल नहीं किया होता तो इन माय ओपिनियन कभी ना कभी असम बंगाल का हिस्सा बन जाता, जिससे असमीस लैंग्वेज बंगाली का एक डायलेक्ट बन जाता। तो ये थी कुछ बातें अबाउट अहोम किंगडम। अब आप लोग बोलोगे कि भाई आपने तो अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया ही नहीं। तो देखो, अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट एक चटपटी टॉपिक है, ऊपर से इंडिया की सिचुएशन भी कुछ ऐसा बन चुका है, इसीलिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स बस इस टॉपिक पर ही वीडियोस बनाते हैं, जिससे लोगों का अहोम किंगडम के बारे में आधी अधूरी नॉलेज रह जाता है। क्योंकि लोग लसित बोरफुकन को तो अच्छे तरीके से जानते हैं, पर नॉन असमीज होने के कारण उन्हें दिहिंगिया राजा सुहुंगमुंग, राजा सुसेंगफा, राजा सुकरांगफा के बारे में तो छोड़ो, उन लोगों के नाम तक नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप लोगों को अहोम किंगडम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना था। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और रुको रुको रुको, एक बोनस फैक्ट। कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था असम की एथनो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि जहाँ पर एक्चुअली में होम किंगडम बसा हुआ था, वहाँ पर हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या और असमीज बोलने वाले लोगों की संख्या रेस्ट ऑफ असम के तुलना में बहुत ज्यादा है।